हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली इमरान ट्रैवल व्लॉग। भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, मज़े में। तो भाई सीन ये हुआ था कि मैं तो सो रहा था, तो अनिप भाई की कॉल आई कि भाई आ जाओ फटाफट आ जाओ। मैंने बोला पता नहीं क्या हुआ, तो अनिप भाई ने बताया टी आर के आ गया 251, तो फटाफट आ जाओ बस। तो इसलिए जो है ना भागना पड़ रहा है, क्योंकि वो मंगल या बुध को आना था, तो आज है मंडे, तो भाई आज ही आ गया वो इत्तेफाक से, तो इसलिए जो है हमें भागना पड़ रहा है। तो बस यही सीन है भाई, निकल गए और अनिप भाई की तरफ जा रहे हैं, और रिज़ल्ट भी चेक करना था इसका कि वॉइस क्वालिटी और रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। तो उम्मीद है रिज़ल्ट वगैरह तो बेहतर हुआ होगा कुछ, क्योंकि सेटिंग मैंने थोड़ी सी चेंज करी है। बस ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ही भाई सारी चीज़ें सेटिंग में आती हैं। थोड़ा पहले जो है ना शुरू में सही नहीं था रिज़ल्ट, अब देखेंगे जब एडिट पे बैठूंगा तो पता चलेगा क्या सीन है। बाकी देख लें भाई आप रोडों का हाल क्या हुआ है, बस इस तरीके से निकलना पड़ रहा है। सही है ना, अच्छी बात है यार, लोग जितना जो है ना वो बाहर निकलना अवॉइड करेंगे तो भाई आप ही लोगों का फ़ायदा है, वरना तो फिर आपको पता ही है कि करोना करोना हो जाएगा। तो इसलिए भाई जितनी एहतियात कर सकते हैं उतनी एहतियात करें। ये जा रहे हैं हमारे साथ, ये भी भाई ये जो कल आपने देखा होगा ब्लॉग में, तो ये वो भाई थे मलिक वकास साहब फोटोग्राफर। आज ये जो है हमारे साथ जा रहे हैं अनिप भाई के शोरूम पर। तो भाई यही सीन है भाई, तो भाई सारे वहसल पर तो आ गए अभी, गर्मी बहुत टाइट गर्मी हो रही है इस वक्त, हालत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और रोज़ा भी है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, हालत बहुत ख़राब हुई है। बस नॉर्मली ट्रैफिक चल रहा है, कोई इतना खास ट्रैफिक नहीं है बस, क्योंकि सदर सुना था कि खुल जाएगा, मगर मुझे लगता नहीं कि आज भी सदर खुला हुआ, क्योंकि सदर तो खैर जाना ही नहीं हमने अभी, तो वो तो शाम तक ही पता चलेगा खुला नहीं खुला। कब खुलेंगे कारोबार, कब सारी जो है ना रौनकें बहाल होंगी, कब हम टूर करेंगे ट्रिप करेंगे, कुछ नहीं पता भाई। घर में बैठे बैठे हालत ख़राब भाई, कराची कराची में घूम रहे हैं बस, और कहीं नहीं घूम रहे। तो भाई बस यही सीन है, और कोई सीन नहीं है। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट भी ज़रूर करना। सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई, अब तो सब्सक्राइब कर दो, आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। वीडियो भाई देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, यार ये क्या सीन है यार, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई मज़ा कैसे आएगा भाई। आपके भाई को जो है ना वो सब्सक्राइब की ज़रूरत है बहुत, सब्सक्राइब करोगे तो यार मज़ा आएगा ना। तो भाई लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट भी करना। तो अभी मैं आपको जो है ना अनिप भाई की लोकेशन भी दिखाऊंगा कि उनकी शोरूम की लोकेशन कहाँ पर है, तो चलते हैं अनिप भाई की शोरूम की तरफ। लोकेशन मैं समझा दूँगा, गोल्ड मार्क से कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। तो भाई आ गए हम लोग गोल्ड मार्क की तरफ, ये आपको नज़र आ रहा होगा गोल्ड मार्क, वो रहा सामने गोल्ड मार्क 1 और गोल्ड मार्क 2, सही है ना। तो गोल्ड मार्क के यहाँ चौरंगी है, ये चौरंगी पे आपने वेट करना है सिग्नल खुलने का, सही है ना, और सिग्नल खुल चुका है भाई। तो यहाँ से आप जो है ना राइट टर्न लेंगे, सही है ना, गोल्ड मार्क की चौरंगी के सामने देख लीजिए, उससे आप राइट टर्न लेंगे। अगर आपको जो है वहाँ से आएंगे FTC बिल्डिंग से, गोरा कब्रिस्तान से आएंगे, तो आपको जो है ना वो राइट पर पड़ेगा, और यहाँ से लेफ्ट पे पहले ही कट है, पहला कट आएगा लेफ्ट पे, सही है ना। तो यहाँ से आपने जाना लेफ्ट हो जाना है, पहला ही कट है, ये देख लो ये कट आने वाला है भाई, कहाँ है ये आ गया कट, तो ये पहले ही कट है भाई। तो आपने पहले ही कट से जाना लेफ्ट हो जाना है, वो बिल्कुल जो है ना फिर हम सीधा 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 चलेंगे, हमने कहीं नहीं मुड़ना है, बिल्कुल सीधा सीधा चलना है हमने, सही है ना। आगे एक पार्क आएगा, वो पार्क भी मैं आपको दिखाऊँगा, सीधा सीधा बिल्कुल चलना है। तो आगे एक पार्क भी आएगा, इधर उधर देख लेना भाई कोई गाड़ी ना आ रही हो भाई, यही देने बस। और आगे एक पार्क आएगा, पार्क से आपको जो है ना मैं दिखाता हूँ, वो मशहूर कोई एक बेकरी या कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पहुँचते तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सन्नाटा पड़ा हुआ रोडों पे भाई,
दोपहर तो हो ही रही है, गर्मी भी ऐसी हो रही है ठीक ठाक, बिल्कुल हालत पतली खराब। ये पार्क आ गया भाई, सही है ना? और वो रहा, हाँ वो A1 स्नैक्स है, सही है, A1 स्नैक्स है। A1 स्नैक्स है, आप जो है लेफ्ट पे एक ये नज़र आ रहा होगा लेफ्ट से, सही है ना, ये वाला कट यहाँ से जाना, ये यहाँ से आप बिल्कुल सीधा जाना है, आपने कहीं नहीं मुड़ना, बस यहाँ से चलना है, बिल्कुल सीधा सीधे सीधे चलते रहना। ये सारे गाड़ियों के शोरूम वगैरह बने हुए सारे अभी तो फिलहाल बंद पड़े हुए हैं, तो ये पूरा सीधा चलते जाना है। और आपको और आने वाला है भाई, आने भाई का शोरूम कहाँ कहाँ का, क्योंकि वो बैनर वगैरह आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये है भाई, ये है अनिप भाई का शोरूम है, ये ग्लोबल इंटरप्राइज लिखा है इसके बराबर में, ये सही है ना भाई। तो फाइनली पहुंच गए हैं भाई, हालत बहुत ख़राब है, तो अंदर चलते हैं भाई अब पहले। तो भाई फाइनली जो है वो अनिप भाई के शोरूम पे आ गए, हालत बहुत ख़राब हुई है गर्मी से, बस बहुत ज़्यादा। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। इधर करो सारा बैग वैग सब एक एक करके दें, हेलमेट दे भाई, आ गया हेलमेट, हेलमेट दे, उठा उठाऊं भाई, रख लो सब पे ये। अरे भाई भाई पहले सेफ्टी, सेफ्टी पहले है भाई, सेफ्टी पहले भाई, सेफ्टी पहले। आंख और मुंह बंद करो, आंख और मुंह बंद कर देना भाई, घूम जाओ भाई। ये देख लो भाई, ये आप आपके टैग गोप्रो की और सेटअप के मुबारक, वो स्प्रे स्प्रे हो रहा सारा अनिप भाई की तरफ से। ठीक है भाई, आप तो भी आप तो भी ये आप सही है, वो हाथ हाथ लो, ये लो भाई, ये वाला हाथ भी हो गया भाई, आ जाओ। ठीक है भाई, अब जो है ना हाथ मिला सकते हैं। और भाई क्या क्या ठीक ठाक, ठीक ठाक है भैया। तो भाई आ गए और तैयारी करते हैं अभी भाई, कहाँ है मशीन? ये जानवर भाई सामने, ये जानवर खड़ा हुआ भाई। तो भाई ये TRK 251 बिल्कुल भाई, TRK 251 इसकी अभी अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर सारी चीज़ें आपको जो है ना असेंबल करेंगे, सारी चीज़ें अवेश भाई। ये और हम आ गए और अवेश भाई जो है ना भाई अनबॉक्सिंग करनी है पूरी सर, बिल्कुल इंशाल्लाह आपके सामने। अभी इसका कार्टन सब हमने हटाया सिर्फ, बाकी ये इनको भाई रोका हुआ था बिल्कुल कि जब मैं आया हूँ तो फिर जो है ना अनबॉक्सिंग करिए। ये अपने मेटल केज में, बस अब ये केज इसका इंशाल्लाह खुलेगा और बाकी इसकी जो फिटिंग है बाइक की वो करते हैं और फिर इसको रेडी करते हैं इंशाल्लाह। आ जाए
कड़ी मेहनत के बाद बाइक फिट हुई है, खून पसीने ही की है अपने, वो भी रोजे में, अल्लाह ताला कबूल फरमाए भाई। बाइक जो है ना वो बाहर आ गया, बहुत ही आला सेक्सी बाइक लग रही है, जवाब नहीं है, बहुत ही मज़ेदार जो है ना बाइक लग रहा है इस वक्त, TRK 251 बेहतरीन। अभी इसका जो है ना बेहतरीन करके जो है ना सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं आपको, बहुत ही आला लुक आ रहा है यार, कलर भी बहुत ही प्यारा है इसका, बहुत ही आउट क्लास, जवाब नहीं, मज़ा आ गया देख के जो है ना। फर्स्ट लुक जो है ना इसकी मैंने तस्वीरों में तो देखा था मगर लाइव नहीं देखा था, तो भाई आज देख के जो है ना मज़ा आ गया, बहुत आला लग रही है भाई। अरे भाई बाइक पे मज़ा आ रहा है भाई, भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। और हमारे यहाँ के जो है बाइकर्स को ये चाहिए था कि एक एडवेंचर टूरिंग बाइक आ जाए, तो एक माशाल्लाह चीज़ आ गई है, एक नेम ब्रांड चीज़ है, बेनेली का नाम है, इंटरनेशनल ब्रांड है, और तकरीबन मेरे ख्याल में 90 ममालिक में जो है ये ब्रांड चलता है बेनेली का। तो आपकी कराची में भी अब आ चुका है, आप देख सकते हैं आके, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी देख सकते हैं। थैंक यू भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला लग रही है बाइक को। तो भाई जिस जिसको देखना है वो बाइक लाइन पे आ जाए और बाइक देख सकता है, TRK 251 लाइव, बिल्कुल लाइव। अरे भाई टाइमिंग क्या है? सुबह 11 से शाम 4 बजे तक। भाई 11 से और शाम 4 बजे तक जो है ना वो बाइक लाइन पे आके और बाइक देख सकता है TRK 251। तकरीबन 2-3 दिन अभी ये यहाँ मौजूद है, जब तक डिलीवर नहीं होती है, तो जब तक आप आके जो है ना शोरूम पे देख सकते हैं इसको। अभी इसके सिनेमैटिक शॉट जो है ना आपको दिखाएंगे, बहुत बेहतरीन VIP, मज़ा आ जाएगा।
भाई ये जो है ना रेडी हो चुकी है, सही है ना, बैटरी वगैरह लगा दी है और उसका लुक देख लो कैसा है। सिनेमेटिक शॉट आपने देखे होंगे, बहुत ही आला लग रहा है, सही है ना। बाकी जो है ना अनिल भाई आपको बताएंगे क्या क्या सीन है इसके, कितने की बाइक है ये, सही है, और क्या क्या इसकी जो है ना सारी सेटिंग है। भाई अनिल भाई अस्सलाम वालेकुम, ये बाइक लेने का शौक है कराची के अंदर डी एच एफ एस टू के अंदर। ये हमारा पहला यूनिट होता है बैनली टी आर के 250 एडवेंचर बाइक है ये, और 250 सीसी कैटेगरी में जो है पाकिस्तान में पहला बाइक है जो इस कैटेगरी में आया है, और प्रॉपर जो है कि एक एडवेंचर बाइक है जिसमें आपकी सिटिंग जो राइडिंग पोजीशन है वो बड़ी प्रॉपर है, आपकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा इसके जो फुट पैग है प्रॉपर एडवेंचर बाइक वाले हैं, फ्रंट पे शील्ड है, नेविगेशन के लिए माउंट बार दिया हुआ है, और उसके अलावा जो हैंडल बार है वो काफ़ी रेज्ड है, और सिटिंग पोस्चर इसका बड़ा स्ट्रेट है बिल्कुल जैसे कि एडवेंचर बाइक्स का होता है। और अनिल भाई बताएंगे मजीद। इसके अंदर जो टायर्स आते हैं बाइक में वो 150/60/17 का टायर्स है, जो ट्यूबलेस टायर है, मैक्सिलर कंपनी है जर्मनी का, जो ये ट्रैक टायर्स कहलाते हैं। और फ्रंट में यही चीज़ है, आपको 110/70/17 का टायर मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर जो है बिल्कुल लेटेस्ट एक चीज़ दी है, प्रोजेक्शन लाइट दिया गया है हाई बीम लो बीम दोनों पर, और इसके अंदर बैकलाइट जो है एलईडी है, इंडिकेटर्स एलईडी है, और आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत टी आर के अंदर ये बॉडी फ्रेम के अंदर जो है ये इंडिकेटर जिसका आ रहा है, मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिक चीज़ दी हुई, क्लासिक सॉरी कार्ड में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंडिकेटर दिया हुआ है। इसकी जो विंडशील्ड है ये भी बहुत अच्छी एक्रेलिक शीट में बनाई गई है, और जो है ये ग्रे कलर के अंदर फ्रंट पे जो है 54mm के इन्वर्टेड शॉक्स हैं, फ्रंट पे डिस्क ब्रेक है, उसके अलावा इस पे बिल्ट इन USB पोर्ट है जिसपे आप अपनी डिवाइसेज जो है वो चार्ज कर सकते हैं, नेविगेशन की आप लीड जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। रेयर पे जो है मोनो शॉक है, इसका एडजस्टेबल मोनो शॉक है। इसके अंदर जो है इस बार बेनेली ने सेकंड जनरेशन का इंजन दिया है, इससे पहले जो बेनेली 25 उसके अंदर जो इंजन आ रहा था वो तकरीबन आपका 25 HP तक उसका प्रोड्यूस करता था, और इसका जो इंजन है ये 26.5 का BHP प्रोड्यूस करता है। भाई इतनी सारी चीज़ें बता दो दी, अब इसके जो है ना वो पैसे ही बताइए, प्राइस क्या पड़ेंगे इसके। तो जनाब इस वक्त जो है ना ये बॉक्सेस और विदाउट बॉक्सेस, इसके जो विदाउट पैनल ये जो मॉडल खराब अभी आप जो देख रहे हैं ये TRK 251 है नॉन ABS वर्जन, ठीक है ना, इसकी कीमत है 7.5 है, 7.5 लाख रुपये पड़ेगा विदाउट जो है ना बॉक्सेस, ये विदाउट बॉक्सेस जो है ये पड़ेगा आपको 7.5 लाख का, और बॉक्सेस के साथ ये प्रीमियम जो है 3 साइड होता है, दो साइड है, और बैनिंग का ओरिजिनल होता है, और साथ में टॉप बॉक्स होगा इसका, ये इसके साथ 8 लाख रुपये का है। तो भाई 7.5 लाख रुपये और 8 लाख रुपये देख लें, बेहतरीन जो है ना रेट आ रहा है। ABS वर्जन भी आता है, ABS 8.2 का है, वो 8.2 का है, मतलब बॉक्सेस के साथ बॉक्सेस और ABS ब्रेकिंग के साथ 8.2 का 8 लाख 20 हज़ार रुपये का पड़ेगा, अगर आपको ABS वाला चाहिए यूनिट तो, सही है, अगर विदाउट बॉक्सेस चाहिए तो 7.5 का पड़ेगा, और बॉक्सेस के साथ चाहिए विदाउट ABS तो 8 लाख रुपये का आपको पड़ेगा। और भाई जल्दी आइए और बुकिंग करा दीजिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई भी बटन नहीं, ये आप इसका देख रहे हैं, ये अपना स्पीडोमीटर, इसके अंदर जो है कहीं भी बटन्स नहीं है, सारे जो ऑपरेटिंग होता है यहाँ से होता है ऑपरेट, इसका यहाँ पे बटन दिया गया है। अच्छा, इसके स्पीडोमीटर के अंदर आपको जो है RPM इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीड का इंडिकेटर मिल जाता है, गियर इंडिकेटर मिल जाता है, टर्न सिग्नल इंडिकेटर मिल जाते हैं, इसके अंदर न्यूट्रल का मिल जाता है, और आपको इसके अंदर टेम्परेचर का मिल जाता है, इसके अंदर आपको जो है टाइमिंग का जो है इंडिकेशन मिल जाती है, फ्यूल की मिल जाती है, इंजन की मिल जाती है, जैसे अब हम ये ऑन ऑफ करके आपको दिखाएंगे तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कितने किस्म के इंडिकेशन आपको मिल जाते हैं। तो तकरीबन जो है ऑल इन वन रूफ है, ये आपको सब चीज़ें मिलती है, इसके अंदर USB पोर्ट आपको मिल जाती है 2.0 एम्पीयर की,
वो बड़ी बेहतरीन क्वालिटी की है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो तकरीबन 18 लीटर का है। सही। और कंपनी जो है क्लेम करती है 35 to 38 किलोमीटर का, मगर जो हमारे यहाँ फ्यूल क्वालिटी है तो उसका ऑक्टेन लेवल है उस हिसाब से यहाँ देखा गया है कि बेनेली का जो बाइक है तकरीबन 32 का एवरेज देता है। एक लीटर में जो है और ये मैं आपको जो है ओनर रिव्यू बता रहा, मैं खुद भी ओन करता हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आराम से 32 किलोमीटर तो देती है। अगर आप इसका जो है अपना हाथ अपना हल्का रखेंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा मिले, क्योंकि मैं तो ज़्यादा टोटल वगैरह देता हूँ। हाँ भाई, आप तो चलाते रहते हैं तो अनिल भाई के साथ तो भाई हम जाते ही रहते हैं, लाजमी सी बात है। तो भाई तकरीबन 32 या 33 का हमने जाएगा इसका 250 का एक लीटर के अंदर, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एवरेज है ये 250 cc के हिसाब से। तो भाई बिल्कुल विजिट करना है, आप लोगों ने देखना है आगे बाइकों की क्वालिटी कैसी है इसकी, और मुझे लगता है कि जब देखेंगे तो बजट बना ही रहेंगे आप लोग इसी तरह की। तो भाई एक दफ़ा विजिट कर लो, कह रहे 2 दिन तक तकरीबन ये भाई है अभी खड़ा हुआ यहाँ पर जब तक लेबर नहीं होता, तो आप लोग आइए और इसको देखिए। ये तो माशाल्लाह एडवांस बुकिंग पे बुकिंग पे ये जो है ना आया और चला गया। इसका आप सेटिंग पोस्चर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रेट पोजिशन आती है इसके। बाइक का लुक बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा लुक है इसका, लुक्स में जो सारे जो है इसके पैसे लुक के पैसे हैं। भाई इसकी अनबॉक्सिंग हो गई है और बहुत ही आला बाइक है यार, बहुत आला बाइक है, कलर भी जो है ना बहुत आला है इसका, फिनिशिंग बहुत प्यारी लगी मुझे, बहुत ऑसम फिनिशिंग है, मज़ा आया बाइक देख के, क्योंकि मैंने तस्वीरों में देखी थी तो भाई वो मुझे इतनी साफ बात है मुझे समझ में नहीं आ रही थी, मगर देख के जो है ना दिल खुश हो गया, बहुत आला बाइक लग रही है। तो अभी 2 दिन तक तकरीबन ये है शोरूम पर, तो आप लोग आओ और आके देखो शोरूम पर, अच्छा लगेगा बाइक आपको। ये अगर बॉक्सेस वगैरह भी फिट हो जाते हैं इसके अंदर तो इसका लुक बहुत प्यारा आएगा, क्योंकि जिस भाई ने मंगाई है तो उन्होंने जो है वो बॉक्सेस शायद नहीं मंगाए, तो अगर इसके अंदर बॉक्सेस लगे होते हैं ना तो बहुत ही आला क्वालिटी मज़ा आता है यार इसके अंदर। तो भाई आप लोग आओ और विजिट करो, विजिट करके देखो TRK 250 को, बहुत आला लगेगा। शॉट सारे हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं भाई, अब जो है वो बस रोज़ा भी लगना स्टार्ट हो गया, तो बस अब हालत पतली हो रही है, तो अब घर वापसी की तैयारी करते हैं और शोरूम से निकलते हैं, अब घर की तरफ जाएंगे, जो रास्ते में ही जो है ना वो रोज़ा शायद खुल जाएगा, लग तो रहा है, कोशिश करते हैं कि पहुँच जाए जल्दी, तो निकलते हैं फिर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना, कमेंट करके बताना, अगर कुछ पूछना हो तो बता देना, एड्रेस वैसे मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा बाइक लेन का, ताकि आप इजीली जो है ना वो शोरूम पहुँच जाओ। बाकी इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।